एक बार फिर से मिडल ईस्ट में जंग का बिगुल फूंक दिया है। ईरान ने इसराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला कर पूरे मिडल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। इस हमले के बाद इसराइल और ईरान के बीच जंग के आसार बन रहे हैं। ईरान के हमले के बाद इसराइल ने ईरान को एक बड़ी धमकी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने मिसाइल दागकर बहुत बड़ी गलती की है। यरूशलम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल पर किया गया हमला विफल रहा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इसराइल का मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे उन्नत है और इसी की बदौलत ईरान के हमले को विफल किया गया है। इसराइल पर हमले के बाद ईरान ने भी बयान जारी किया है। ईरान के एक अधिकारी ने कहा कि अगर इसराइल ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने कहा कि अगर इसराइल जवाब देता है तो हम विनाशकारी तरीके से इसका जवाब देंगे। वहीं ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसराइल पर मिसाइल दागने के बाद जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि हमने हमलों से कुछ समय पहले ही राजनयिक माध्यमों से अमेरिका को सचेत कर दिया था। ईरानी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमने इसराइल पर मिसाइल हमले के बारे में रूस को भी पहले से ही सूचित कर दिया था। ईरान ने कहा कि अगर इसराइल कार्रवाई करेगा तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा और विनाशकारी तरीके से इसका जवाब देंगे। बता दें कि ईरान की ओर से किए गए इस हमले से पहले इसराइल ने अपने लोगों को बंकरों में जाने का आदेश दे दिया था। इस बीच सबकी नजरें फिलहाल इसराइल के अगले कदम पर है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि इसराइल पर हमला करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। इसराइल को अब खुली छूट है, वो ईरान पर हमला कर सकता है। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इसराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल फायर करके इसराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसके कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इसराइल के टारगेट में है, इसराइल की साइट्स में है। और उसका जो अटैक होगा इसराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर, उसे किस तरीके से हिजबुल्ला का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा। और ईरान को इसराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इसराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। आज अमेरिका की सेना ने सक्रिय रूप से इसराइल की रक्षा का समर्थन किया और हम भी अभी भी प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। देखिए, इसराइल का जो सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है वो है अमेरिका। और आपको पता है अमेरिका ने उसको फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, उसको बाकी तरीके से भी, इवन यहाँ पे कि मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के तरीके से भी सपोर्ट किया है इसराइल को। और इसराइल के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है। जब भी ये मिडल ईस्ट में कभी भी कोई जंग या कोई ऐसी बात हुई है, जो अमेरिका है वो इसराइल के साथ खड़ा होकर इसराइल को पूरी मदद करता रहा है। वो चाहे मिलिटरीली मदद है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो उसके ड्रोन्स हैं, चाहे उसका जो ये शील्ड है जो उसने बनाया है, आयरन डोम जिसको कहते हैं, वो उसको मिसाइल से बचने के लिए, वो भी अमेरिका के जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इसराइल के साथ खड़ा है क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शन लगाए हैं अमेरिका ने। और अमेरिका अब क्योंकि ईरान ने इसराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इसराइल को इसके यूएस से वो मिलेगी उसको, और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इसराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी चांसेस है। क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इसराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहां से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहां नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान,
रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए।